पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पुण्यतिथि है। देश के कई बड़े नेता आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नई दिल्ली में उनके स्मृति स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत काफी लंबे समय से खराब थी। लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया था। दिल्ली में स्थित सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की बेटी नमिता कौल भट्टाचार्य, पोती निहारिका समेत परिवार के कई अन्य सदस्य वहां पर पहुंचे हैं। अपनी कविताओं और भाषणों से एक अलग पहचान बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के संस्थापकों में से एक थे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों तक ही चल पाई थी। 1998 में वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब उनकी सरकार 13 महीने तक चली थी। 1999 में लोकसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान अटल जी की सरकार सिर्फ एक वोट से रह गई थी। 2014 के बाद तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कई नेताओं ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि अटल जी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर आदर्श पुरुष की स्मृति को सादर प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हमेशा विकास में योगदान के लिए अटल जी के योगदान की सराहना करेंगे। अमित शाह ने कहा कि अटल एक व्यक्ति नहीं है, विचार है। अटल एक जीवन नहीं है, संस्कार है। योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कहा, भारत जीवन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी की प्रथम पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बने रहिए अखंड भारत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए।